गाइस टेक न्यूज के एक और नई एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। उम्मीद करता हूँ आज के दिन आपने काफी सारी मिठाई खाई होंगी और खा भी रहे होंगे। मेरी तरफ से भी आप लोग एक दो मिठाई और खा लेना। और गाइस आपका समय अब बर्बाद ना हो इसीलिए चलिए टेक न्यूज एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज रेडमी के बारे में है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि रेडमी नोट 11 काफी जल्द रेडमी चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। और गाइस आज रेडमी नोट 11 एंड रेडमी नोट 11 प्रो इन दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस थोड़े स्पेसिफिकेशंस सामने आ चुके हैं। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि रेडमी नोट 11 स्मार्टफोन के अंदर हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एलसीडी डिस्प्ले मिलने वाली है। यहां पर हमें 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा और यहां पर हमें डायमेंसिटी 810 5G का प्रोसेसर भी मिल जाएगा। रेडमी नोट 11 प्रो की बात करें तो ऐसी जानकारी मिली है कि यहां पर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। यहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर मिल जाएगा और यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले मिलने वाली है। और गाइस ऐसी जानकारी मिली है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएंगे चाइना के अंदर। तो क्या आप लोग Redmi Note 11 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस कल की टेक न्यूज के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि Realme Q3 स्मार्टफोन चाइना के अंदर 19 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा। और गाइस आज इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस Realme ने ऑफिशियली कंफर्म किए हैं। Realme ने ये कंफर्म किया है कि Realme Q3 स्मार्टफोन के अंदर हमें एक LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। 6.6 इंच की LCD डिस्प्ले मिलने वाली है जहां पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। यहां पर DCI-P3 कलर गैमट का सपोर्ट मिलने वाला है एंड HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और गाइस ये स्मार्टफोन सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बनने वाला है जहां पर हमें Snapdragon 778G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। गाइस आज की ज्यादातर न्यूज फोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स के बारे में ही होने वाली है। अगली न्यूज भी उसके बारे में ही है। iQOO अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z5 स्मार्टफोन चाइना के अंदर 20 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है। और iQOO ने आज इस स्मार्टफोन के थोड़े स्पेसिफिकेशंस कंफर्म किए हैं। iQOO ने ये कंफर्म किया है कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर मिल जाएगा और यहां पर हमें 5000 mAh की बैटरी भी दिखने को मिल जाएगी। और गाइस ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन चाइना में अराउंड 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। सो गाइस Vivo V23 सीरीज काफी जल्द लॉन्च हो सकती है क्योंकि Vivo V23 5G एंड Vivo V23 Pro को मिल चुका है आज IMEI डेटाबेस पर लिस्टिंग। इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि ये दो स्मार्टफोन्स काफी जल्द Vivo लॉन्च कर सकता है। तो क्या आप लोग Vivo के नए स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस आज की आखिरी न्यूज ओप्पो के बारे में है। तो ओप्पो रेनो 7 स्मार्टफोन के थोड़े स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ओप्पो रेनो 7 स्मार्टफोन के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है। यहां पर हमें 10 बिट पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाएगी एंड यहां पर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर भी दिखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी एंड 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर अगले साल के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।